तो नीतीश जी, मैं आपकी इजाजत से ये इंटरव्यू हमारा आपका रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, क्या इजाजत जी है? ठीक है नीतीश जी जी, देखिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया एक ड्रीम को, ना आप मुझे जानते थे और ना मैं आपके बारे में जानता था। हम लोगों ने एक ड्रीम से इस चीज को स्टार्ट किया, आपने मेरे को कॉन्टेक्ट किया जी लेवल 2 की तैयारी करने के लिए, और यहाँ पर जी मतलब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, आपके पास बहुत सारे टीचर्स थे और आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, और दूसरा आपके पास अपने खुद के भी काफी पुराने एक्सपीरियंस थे, काफी ऐसे लोग जो आपको यहाँ तक लेकर आए जी थे, और आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, और आप MP में और हम दिल्ली में। तो सर, आपने कांटेक्ट जी किया मेरे को और ये जानने के लिए कि भाई कि किस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी की जा सकती है, और कहीं ना कहीं आपको मेरा मतलब एक विजन समझ में आया, एक टीचर की तरह। एक टीचर का हमेशा विजन क्या होता है आपके पास में, और मैंने आपसे जो कहा वो ये था, जो मुझे आज तक आपके शब्द याद है, नीतीश जी आप जब मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, जी मैं आपकी सोच बदल दूंगा जी इन किताबों के माध्यम से, इन जी किताबों के लिए जो एक इंसान के मन में डर बैठाया गया होता है कि किसी तरीके से बस इसको पास करो, और उसको डिपेंड कर लिया जाता है अपने ऊपर कि भाई हमारे अलावा तो तुम्हें पास जी नहीं करा सकता, हर बार तुम हमारे पास ही आओगे सिर्फ पास होने के लिए। मैं ये डर खत्म कर दूंगा और मैं जी आपको ऐसा बना दूंगा कि आपके अंदर से मैं बोलना शुरू कर दूंगा, मतलब ये भरोसा मैंने आपसे जी पहली क्लास में आपको दिलाया, और एक क्लास मैंने आपको दी, जी और वो उस क्लास का नतीजा हमारे निकल कर आया कि आपने 1 वीक के अंदर लेवल 1 का एग्जाम क्लियर करा, फिर आपने 1 महीने की तैयारी करी, और जी 1 महीने के अंदर आपने लेवल 2 का एग्जाम 24 जनवरी को क्लियर कर दिया, आज सुबह 9:30 से 12:30। 23 दिसंबर को क्लियर हुआ था मेरा लेवल 1, हाँ, और आज चौबीस और जनवरी को एग्जिट ठीक 1 महीने बाद हमारा लेवल 2 क्लियर। लेवल 2 क्लियर कर दिया। तो नीतीश जी देखो, मैं ये चाहता हूँ कि ये जी जो आपका फीडबैक है, देखिए इस फीडबैक को मैंने ड्रीम किया था, तो मैंने अपना सपना देखा और आपको भी एक सपना दिखाया, तो जी आपके अंदर बदलाव लाने का। जी तो नीतीश जी, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि जी अगर मुझे कभी भी आपके जैसा कोई व्यक्ति मिलेगा और वो जी आपके इंटरव्यू को अगर देखेगा, तो आपके उस इस मतलब जी इस जर्नी को वो कैसे विजुलाइज कर पाएगा कि आने वाले जी वक्त में वो अगर कभी हमारे साथ जुड़ा या हमारे एक संगठन से जुड़ा, और मेरी तो बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं आने वाले वक्त में जितने भी लोगों को पढ़ाता जाऊं, उनके अंदर अपने मतलब अपने आप को उतारता जाऊं, उनसे भी सीखता चला जाऊं, तो एक बहुत बड़ा संगठन में बनाऊं कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1, लेवल 2, म्यूचुअल फंड, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, करेंसी रेट डेरिवेटिव, या फिर आपके पास में NISM का कोई भी अगर कोर्स होता है, तो उसकी वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस के लिए हमारे इंस्टीट्यूट को जाना जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा नीतीश जी, आपकी इस जर्नी के अंदर आप अपने जैसे व्यक्तियों के लिए किस तरीके की राय आप रखते हैं, क्या आप उनको संदेश देना चाहोगे? अब ये स्क्रीन आपके ऊपर है, जो आप जैसा बोलोगे बिना किसी एडिट के, मैं एज इट इज आपकी बातों को आपके जो मतलब आने वाले वक्त में आपको देखकर आपके जूनियर्स हैं उन तक पहुंचा दूंगा। सर आप शुरू कीजिए। जी सर, सबसे पहले तो देखिए, ये सेकंड टाइम है क्या हमारा इंटरव्यू है। जब अपन ने लेवल 1 क्लियर किया था, है ना, और आपके पूरे गाइडेंस में क्लियर किया था। काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रहा था, ऑलरेडी अराउंड 2 मंथ्स से ज़्यादा हो गए थे मैं मेहनत कर रहा था। आपका गाइडेंस मिला और विद इन अ वीक आपके गाइडेंस के बाद पहली बार में मैंने लेवल 1 निकाला, ठीक है। उसके बाद पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ, आई थिंक अपन ने 1 जनवरी या 2 जनवरी से स्टार्ट किया था स्टडी करना लेवल 2, और पूरे पूरे 20 दिन भी मुश्किल से मतलब नहीं किया होगा अपने। 18-20 तारीख को हमारी स्टडी स्टॉप हो गई थी। उसके बाद आपने पूरा रिवीजन कराया, केस स्टडी पे फोकस किया, और ये हुआ कि आज 24 तारीख को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा लेवल 2 क्लियर हो गया। बहुत ही अब मैं आपको बढ़िया। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि ये आप एक टीचर नहीं हो सर, आप एक मेंटर हो। टीचर और मेंटर में बहुत बड़ा अंतर होता है। टीचर क्या है ना, टीचर आपको एक स्पेसिफिक जगह लेके जाता है कि भाई आपको ये करना है सो दैट यू कैन बी पास। आप टीचर के साथ साथ मेंटर बनते हो। आप लोगों को सिर्फ एग्जाम में पास होने का रास्ता ही नहीं दिखाते हो, आप लोगों को ये भी बताते हो कि आफ्टर पास होने के बाद आपको क्या करना है, कि पास होने के बाद आपके जो लाइफ में चेंजेस हैं उनको भी लाना है। जैसा कि अभी हमने दोनों लेवल क्लियर किए हैं, आई थिंक दोनों लेवल क्लियर करने के बाद इतना मेरे को एक सेबी का भी इंटेंशन समझ में आया है कि वो अब आपको एज अ डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं। हर किसी को मार्केट में एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। तो जिसके पास पूरा कॉन्सेप्ट पानी की तरह क्लियर होगा, वही इस बंदा इस ये लेवल 1 लेवल 2 निकाल पाएगा। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज आपकी ध्यान रखता था, आप बोलते थे कॉन्सेप्ट पानी की तरह क्लियर होना चाहिए, है ना, और हमेशा वही चीज मेरे दिमाग में बैठती है कि कोई भी चीज अपन ने सीखी तो पानी की तरह जब क्लियर होगी ना, तो कहीं से कोई कुछ भी पूछ ले, क्वेश्चन कुछ भी हो,
मतलब ही नहीं है मुझसे, ये रहता है उसमें, है ना। और जब कॉन्सेप्ट कोई भी चीज का पानी की तरह क्लियर हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ भी आए हमें पता है कि यार अल्टीमेटली पूछा यही है हमसे, है ना। लोग केस स्टडी से बड़ा डरते हैं जी, केस स्टडी से भागना नहीं है, केस स्टडी से हाथ मिलाना है अगर लेवल टू पास करना है तो, जी, उसमें है ना। लोगों को और लेवल वन एक लोगों को बड़ा डर रहता है फॉर्मूले कौन सा लगाना है, कहाँ पर क्या लगाना है, मतलब ये डर लोगों नहीं, का मतलब क्यों होता है लोगों के दिमाग में, क्योंकि वो रट रहे होते हैं फॉर्मूला, FV का फॉर्मूला, PV का फॉर्मूला रट रहे मैं होते हैं। कहीं से पढ़ लूंगा कि यहाँ PB का लगाना है, यहाँ FV का लगाना है, यहाँ PMT का लगाना है। रटने से कुछ नहीं होगा, जब हम एग्जाम देने जाएंगे ना, वापस से हमसे जब क्वेश्चन बदल के पूछा जाएगा केस स्टडी में, हम वापस से कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ PV का लगाना था कि FV का या PMT का। बात वही आती है कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि कहाँ PV और कहाँ FV लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हाँ भाई ये पूछा है मतलब PV, ये पूछा मतलब FV, ऐसा करना है मतलब PMT। फॉर्मूले कभी भी रटे नहीं जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने से फॉर्मूले अपने आप निकलते हैं। अगर नहीं लगना है फॉर्मूला तो भी आप जबरदस्ती लगा रहे हो, लगना है तो आपको किसी चीज को ड्रैग कर रहे हो, क्योंकि आपके मन में दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। है ना। मतलब मैंने इतने स्टूडेंट्स को देखा है, इतने लोगों के साथ स्टडी करी है, वो एक ही चीज़ बोलते हैं मेरे को आज तक ये क्लियर नहीं हुआ कि PV कहाँ लगता है, FV कहाँ लगता है, PMT कहाँ लगता है। बल्कि दो दो बार उन्होंने पुराना NISM पास किया है ना, तो कैसे किया आई डोंट नो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो आपको एक शॉर्टकट्स में पास करा देते थे। अब नहीं है नहीं करा क्योंकि पाएंगे, अब बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत अब लेवल भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुका है। अब सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान दिया जा रहा है, जहां तक मैं ये दोनों लेवल पास करने के बाद समझ पाया हूँ, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो तो आपको काम पूरा आना चाहिए। एक एक चीज आपको बिल्कुल रटी हुई नहीं, दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। रटना और दिमाग में बैठाना चीजों में दोनों में बहुत अंतर होता है, और ये काम आपने किया है सर। नीतीश जी, टेस्ट के बारे में देखिए आप क्या कहना चाहते हो? हमारे हमारे टेस्टों को लोग ना काफी, मतलब मैंने देखा काफी लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को लेकर कि यार तू हमें MCQs की फॉर्म में क्यों नहीं दे रहा, तू हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट क्यों जानना चाह रहा है? नहीं सर, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, आपके साथ जब टेस्ट दो ना तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि आपके दो क्वेश्चन होते हैं वाई और वॉट। ये वाई और वॉट पूरा दिमाग को हिला के रख देते हैं कि यार हमें तो चार ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम में, इन्होंने तो वाई पूछ लिया और वॉट पूछ लिया। हाँ वो वाई और वॉट ही एक ऐसी चीज है जो दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठाती है बिल्कुल ठीक बात है सर, ना। वो काम आप करते हैं, आप विदाउट ऑप्शन दिए जो टेस्ट लेते हैं, कभी 20 टेस्ट क्वेश्चन देंगे, कभी 50 क्वेश्चन देंगे, कभी एक चैप्टर पढ़ाएंगे 10 क्वेश्चन 11 के क्वेश्चन देंगे, बदल बदल के केस स्टडीज देंगे। कई बार तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडी दे देते थे आप, अभी जस्ट एग्जाम पास होने के पहले ही आपने मेरे को कल या परसों कुछ केस स्टडीज दी थी, है ना। तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, आपका बोलना ये था कि आप फाइट करो, मैं नहीं देख रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो गलत, आप पहले फाइट करो कि आप कहाँ तक पहुंच पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो देन आई विल हेल्प यू, है ना। तो आप क्या करते हो, चीजों से लड़ने के लिए लोगों को खड़ा करते हो, उससे क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर बढ़ा आप आपका, यहाँ लड़ोगे तो लड़ पाओगे। कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका उससे, मतलब उनके स्टडीज को सॉल्व करके कॉन्फिडेंस बढ़ा? जी सर, कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ेगा, अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर आपने पहले से ही डेवलप कर दिया था। जैसे जो अभी मैंने देखा लेवल टू में चार केस स्टडी बहुत ही ज्यादा लेंदी आ रही, तीन है ना, एक तो थ्योरी की है, तो तीन जो केस स्टडी आती हैं वो आपको करनी जरूरी है। एक टाइम था कि जब मैं लेवल टू का एग्जाम देता देने जाता था तो 15 नंबर का छोड़ देता था कि भाई 85 में से 60 लाना है ना। और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस अवेलेबल थे कि मेरे को 85 में से 75 मिला है, 74, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब ये 74 के आसपास मेरा मार्किंग बना था, क्योंकि बहुत कम चीजें ऐसी, बहुत इतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता था, इतना ज्यादा घुमाया भी नहीं जाता था। और अब की स्थिति ये है कि आपको वो केस स्टडी से हाथ मिलाना पड़ेगा, कठिन चीजों से दोस्ती करनी पड़ेगी। कठिन चीजों से दोस्ती नहीं करोगे, जहाँ आप फंस रहे हो, जहाँ आप अटक रहे हो, उस चीज को अब नहीं छोड़ सकते यार, अब आपको तो वो करना ही पड़ेगा। नितिन जी, क्या मैं आपके अंदर के ये टीचर को है सर जगा पाया? जी। क्या मैं आपके अंदर के टीचर को जगा पाया, मतलब आने वाले वक्त में क्या आपको भी किसी को मतलब कोई चीज समझाना सिखाना चाहोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सिखा सकता हूँ सर, आपने पढ़ाया ही ऐसा है कि होता क्या है ना, सिर्फ एग्जाम का एक रास्ता बताना कि आप ऐसा ऐसा कर लो पास हो जाओगे,
उसमें क्या होता है ना, कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। हमें पता है कि ये शेयर वारंट के बारे में पूछेगा तो 25% लिख देना, 3 मंथ्स लिख देना, 18 मंथ्स लिख देना, है ना। लेकिन आप क्या करते हो, उस चीज को प्रॉपर समझाते भी हो। समझाने के बाद आप क्या करते हो, जब दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, तो आज मेरे से कोई सपने में भी पूछेगा ना कि भाई शेयर वारंट्स के बारे में बताओ, आप SPV के बारे में बताओ, है ना। अगर आप से पूछा जाए सिक्योरिटी रिसिप्ट के बारे में बताओ, पास थ्रू दी सर्टिफिकेट्स, मतलब ऐसे ऐसे चीजें इतनी गहराई मार्केट में है जो अभी तक जो सेबी ने पहले की दोनों लेवल में नहीं दी, इस लेवल में इन्होंने बहुत गहराई को डेप्थ को मार्केट में बताया है दोनों लेवल में। और उस चीज को आपने मेरे को इतना अच्छे से समझाया कि अगर मैं नींद में भी हूँ ना और आप मेरे को फोन लगाने का, सर मेरे को ये बताओ ये क्या है, तो आई थिंक मैं बता सकता हूँ, मेरे को बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। निधि जी ये पूरा, हाँ निधि जी बताइए ना, आप बोल रहे थे जी। ये मेहनत पूरी आपकी है सर, है ना, क्योंकि एक स्टूडेंट के अंदर एक टीचर को डेवलप करना ये कोई महान टीचर ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। टीचर का मैंने कई एग्जाम्स देखे हैं, इवन बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो सिर्फ एक रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते पे जाओगे तो ही पास होगे, लेकिन आप क्या बोलते हो कि रास्ता कोई भी हो, अगर जो पढ़ा है वो क्लियर है तो किसी भी रास्ते पे चले जाओ, आपको पास होना ही है। डर नहीं होना चाहिए सर, है ना सर। इस एग्जाम से पहले कोई डर था आपको? सर इसके पहले बहुत एग्जाम दिए, डर लगता था एग्जाम देने के पहले, लेकिन आप एक ऐसे पहले टीचर मिले हो, पता नहीं मेरे को कि मतलब आपकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत क्लियर रहती है और बहुत फ्री माइंड से पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस रखते हो। कल 3 बजे के आसपास हमारा काम खत्म हो गया था, आपने बोल दिया था सर आप लैपटॉप बंद करो, आप जाओ घूमो फिरो और सुबह भी मत पढ़ना। मतलब इवन मेरे यार दोस्त फ्रेंड सभी लोगों ने बोला भाई सुबह एग्जाम है आप क्या कर रहे हो, आपको पढ़ना चाहिए, है ना। नहीं पढ़ा, सुबह जल्दी नींद खुली, फिर नींद आई तो मैं सो गया। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, सर ने मना किया है, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, अपन ने इतने दिन तैयारी करी है, जो होगा एग्जाम में निपटेंगे बस, है ना। और उसका रीजन ये रिजल्ट ये रहा कि रिजल्ट आपके सामने है, ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर। निधि जी गजब था आपका, और मतलब आने वाले वक्त में मैं मतलब आपसे सिर्फ एक चीज चाहूंगा कि आपके पास मतलब देखो आप जिस तरीके के संगठन को चला रहे हो, आपके पास अब एक्सपीरियंस भी है ना, और आपके पास क्लाइंट्स भी है। अब आप आने वाले वक्त के अंदर एक ऐसा मतलब एक ऐसा संगठन बनाओ जिसमें आपके पास जो लड़के हैं आपके पास काम करने वाले हैं ना, वो एक तरीके से आपकी साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हो। मतलब वो हर कोई व्यक्ति ना, हर बच्चा अपने आप में एक एक नीतीश जैन हो, हर बच्चे के दिमाग में नीतीश जी बोल रहे हो। मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो खुद बोल रहा है, मतलब वो जो बोल रहा है ऐसा लगना चाहिए कि उसके ओनर बोल रहे हैं, मतलब वो आपका फेस है आने वाले वक्त में। मतलब ऐसा ना हो कि हर चीज को हैंडल करने के लिए आप सामने जा रहे हो, जिस चीज को आप आगे बोल रहे हो ना, जिस चीज को आपका लड़का आगे बोल रहा है, दोनों बातों में कभी फर्क ही नहीं होगा। ऐसा एक सिस्टम पूरा डेवलप करना है हम लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, देखिए सर सीखा आपसे है, आगे आपसे बड़े हैं, इसीलिए जो मैं बोलूंगा वो मैं नहीं बोलूंगा, वो गौरव सर बोलेंगे, है ना। जो आने वाले लोगों को मैं सिखाऊंगा वहां भी गौरव सर ही बोलेंगे, मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि इतनी शायद मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं थी, आपने मुझे लायक समझा। हम भी अपने गुरु से आगे बढ़े हुए हैं। नहीं नहीं सर, गुरु हमेशा गुरु होता है और आगे भी जीवन में जब जब मेरे को जरूरत पड़ेगी बहुत परेशान करूंगा। अरे मैं आपके साथ रहूंगा। आप ये मत सोचना कि आपने लेवल 2 पढ़ा दिया, पास हो गया हूँ पहली बार में तो जल्दी पीछे छूट गया, अब और लंबी जर्नी जाएगी अपनी। नहीं नहीं, आगे भी हमेशा साथ रहेंगे निधि जी, और ईश्वर ने मतलब जब जिस काम में भी ईश्वर डालेंगे, कोशिश ये करेंगे कि उस काम में बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ हम लोग आगे बढ़े। मतलब किसी काम की जिम्मेदारी भगवान किसी को तो देकर चलेगा, क्योंकि निधि जी मेरे मानना है कि देखो काम कभी रुकते नहीं है, कर्ता बदल जाता है, तो भगवान ने अगर हमें कर्ता बनने का मौका दिया तो हम पीछे क्यों हटे, हम भी कर्ता बन जाते हैं जी। अपन को भी आगे ही बढ़ना है और सेबी भी यही चाहता है, NISM भी यही चाहता है, गौरव सर भी यही चाहते हैं, है ना। और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बहुत कम है, डेली बाय डे बेसिस बहुत डीमेट अकाउंट्स ओपन होते जा रहे हैं, बट उनको प्रॉपर टेक केयर करने के लिए, जैसे अभी हमने फाइनेंशियल बिहेवियर पढ़ा हुआ था तो उसमें क्या होता है ना, इन्वेस्टर हमेशा इमोशनली सोचता है, है ना। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई साहब एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को आपको फाइनेंशियल बिहेवियर को पढ़ना है, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल जो थ्योरीज होती हैं उनको समझना है, और इन्वेस्टर हमेशा इतना पढ़ा लिखा नहीं रहता है, है ना। इसलिए हम आपको उस लायक बनाना चाहते हैं कि आप इन्वेस्टर्स के क्लाइंट्स को, क्लाइंट्स के
इन्वेस्टमेंट को हैंडल कर सको, क्लाइंट को एक सही सलाह दे सको। और अभी का जो लेवल वन लेवल टू है, वही व्यक्ति निकालेगा जो पूरे मन से, अपने साफ मन से उसे पास ही नहीं करेगा बल्कि उसे समझेगा भी। अकेला सिर्फ पास करने के लिए निकालेगा ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं निकाल पाएगा। सही बात है, कोई भी नहीं निकाल पाएगा ये सोच के। जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आएगी ना कि वो डिजर्व करता है, तब तक ये एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। पूरा एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको अपने अंदर उतारना पड़ेगा, देन यू कैन बी पास। बहुत बहुत बढ़िया नीति जी, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं खुद आपके आपके वक्तव्य से बड़ा संतुष्ट हूँ और मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ। आपको आने वाले, आप जैसे लोगों को आने वाले वक्त में एक अच्छा टीचर बनना चाहिए। आप लोगों की जिंदगी में बहुत बदलाव ला सकते हो, बाकी सर प्रभु इच्छा। सर आप हैं तो सब बन जाएंगे, सब साथ ही है सर। जहाँ जहाँ अटकूंगा वहां आपसे पूछ लूंगा। नीति जी कभी अटकने सिस्टम, हम एक सिस्टम बना के चलेंगे, अटकने की कोई जगह ही नहीं है ना। हमारा ये सिस्टम है, इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, है ना। हमारा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जी क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो भैया ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने होते हैं छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू कोई नीति दिक्कत जी। ही नहीं है उसमें, है ना। बाकी छोड़ने जैसा कुछ रहता भी नहीं है, क्योंकि जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट कोई व्यक्ति बिठाल देता है ना, तो आपको हर चीज करने जैसी दिखती है। बिल्कुल ठीक और है, जब आप कम पढ़ते हो या जब कोई आपको शॉर्टकट बताता है ना, तो हर चीज छोड़ने जैसी दिखती है, सही सही है बात ना। कर रहा हूँ और जी, आप डर हर लगता है चीज बस। करने योग्य बनाते हो। शुक्रिया दीजिए, थैंक यू सो मच नहीं, दीदी जी, आप क्या है ना, हर चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, इसलिए वो करने योग्य बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीदी जी जी आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, जी करते हैं आगे। और मतलब उम्मीद करके चलता हूँ कि आने वाले वक्त में आप जिस तरीके के सपने आपने देखे थे अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप बहुत जल्दी एक अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा जी करोगे और जो आपके बस में इंडिविजुअल से जाकर अब आप कॉर्पोरेट की तरफ मूव करोगे। और आने वाले वक्त में आपको कॉर्पोरेट बनते हुए देखना चाहूंगा और मैं उसको देखना चाहूंगा, मतलब उसका विटनेस मैं बनना बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल। बिल्कुल, कि आप कॉर्पोरेट में कन्वर्ट हो रहे हो बहुत जल्दी। अरे सर कैसे बात कर रहा हूँ। जी सर, थैंक जी जी यू सर, ऑल द बिल्कुल सर, बेस्ट नीतीश ओके जी, थैंक यू थैंक सो यू मच, वेरी मच सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर। वेलकम सर।